जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान का भजन अखंड रूप से करते हुए ही साधक स्नान, भोजन, व्यापार, कृषि, अध्यापन आदि सभी कार्य करें, इस भगवत पूजन का तार क्षण भर भी नहीं टूटना चाहिए। भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं हो सके तो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे। भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। नाम जप की सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही मन से, साथ ही धीमे स्वर से, वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर भगवान के चिंतन में चित्त विक्षेप शून्य होकर अपने आप लग जाएगा। प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया है। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, पहला, श्वासा माही जपते दुविधा रहे न कोई। दूसरा, श्वास श्वास सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। अर्थात भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण लीला अथवा नाम का निरंतर चिंतन तैल धैरावत होना चाहिए। यही भगवान के लिए किया जाने वाला अखंड भगवद यज्ञ है। साधक को मन से तो नित्य निरंतर भगवान का भजन करना ही चाहिए, परंतु कान एवं वाणी से भी सदा सर्वदा भगवान का ही गुण सुनना और कहना चाहिए। मन से भगवान का पूजन, भजन, चिंतन तभी सफल होगा जब हमारी इंद्रियां भी भगवत संबंधी कार्यों में लगी रहेंगी। सभी कार्यों का प्रायः आधार होता है सुनना अथवा बोलना। यदि कानों में सदा विषयों की चर्चा आती रहेगी और वाणी से सदा विषयों की बातें ही की जाएंगी तो मन से भगवान का चिंतन होना असंभव सा ही समझना चाहिए। यदि कान और वाणी भगवान में लगे रहेंगे, उन्हें दूसरे कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो अन्य इंद्रियां और मन स्वतः ही भगवान के परायण हो जाएंगे। अतएव कान एवं जीभ को भगवान के नाम, गुण, लीला आदि के सुनने एवं गाने में ही निरंतर लगाए रखना चाहिए। यही जीवन यज्ञ है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, जिसके कर्ण पक्ष में भगवान के नाम गुणों ने कभी प्रवेश ही नहीं किया, वह मनुष्य रूपी पशु, कुत्ते, विष्टाभोजी सुअर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी अधिक निंदनीय है। हे सूत जी, जो कान भगवान की लीला का श्रवण नहीं करते, वे सांप के बिल के समान हैं। जो दुष्ट जिह्वा भगवान की लीला कथा का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान व्यर्थ ही टेंटें बकवास करने वाली है। किसी भी शास्त्र के अंत में उस ग्रंथ का सार और परम अनमोल सत्य बात ही रखी जाती है। श्रीमद् भागवत भक्ति की सुरसरी है। उसके अंत में ग्रंथ का समापन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सार की सार बताते हैं, सार की सार बात कहते हैं। जिस वाणी से अधोक्षज भगवान की कथा नहीं कही जाती,
विषयों की बुरी बातें कही जाती हैं, वह वाणी असत और व्यर्थ है। जिन वचनों में भगवान के गुणों को प्रकट किया जाता है, पुण्य कीर्ति भगवान का यश वर्णन किया जाता है, वास्तव में वे ही वचन सत्य हैं, वे ही कर्म मंगल रूप हैं, पुण्य हैं, वही वाणी मनोहर है, वही रुचिर है, वही नित्य नव नूतन रसमय है। वे ही वचन सदा मन को महान आनंद देने वाले हैं और साथ ही मनुष्यों के शोक रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। संपूर्ण भागवत शास्त्र में इस प्रकार के भगवत यज्ञ करने के लिए, भगवत यज्ञ करने के लिए अनेक उक्तियां भरी पड़ी हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, जो लोग मुझ में मन लगाकर श्रद्धा और आदर के साथ मेरी नाम गुण लीला कथा को सुनते गाते और अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझ में अनन्य भक्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य देव देव भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान श्री हरि की अति मनोहर कल्याणकारी अवतार पराक्रम तथा बाल लीलाओं को सुनने तथा उनका गान करने से मनुष्य परम हंसों की गति भगवान में पराभक्ति को प्राप्त होता है। परम हंसों की गति भगवान में पराभक्ति को प्राप्त होता है। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, इस प्रकार मुझ अनंत गुण संपन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म में भक्ति हो जाने पर फिर उस साधु पुरुष को और कौन सी वस्तु प्राप्त होनी शेष रह जाती है, वह कृतार्थ हो जाता है। भगवान के इस प्रकार नित्य निरंतर भजन करने का महान फल होता है। भक्त के मुख से उच्चारण किए हुए नाम की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुख से निकल जाता है, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पुत्र आदि के नाम संकेत से, परिहास में, स्तोभ से या अवहेलना से भी भगवान का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक लिया हुआ पुण्य श्लोक भगवान का नाम मनुष्य के पाप को उसी प्रकार जला देता है जैसे अग्नि में किसी प्रकार से भी डाला हुआ ईंधन भस्म हो जाता है। यह भगवान का नाम यज्ञ द्वारा भजन है। यह भजन इतना श्रेष्ठ है कि देवहूति माता कपिल देव जी से कहती हैं, ओहो, जिस जीभ पर भगवान का पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप यज्ञ तीर्थ स्नान वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। आगे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते छींकते अथवा दुख से पीड़ित होते समय विवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः पुकार उठता है तो वह सभी पापों से छूट जाता है, जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो मात्र विवश होकर भगवान के नाम यज्ञ द्वारा भजन का फल है। प्रेम से भगवान का नाम यज्ञ द्वारा भजन का फल तो कहना ही क्या। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बिबसहु जासु नाम नर कहीं
जन्म अनेक रचित अगदही सादर सुमिरन जे नर करही राम हरे भव बारिधि गोपद इव तरही राम हरे। अतएव भगवान अर्जुन को अपनी प्राप्ति के लिए नाम गुण यश कीर्तन यज्ञ प्रभाव तत्व विचार एवं चिंतन यज्ञ के द्वारा अपना भजन करना एक बहुमूल्य साधन बताते हैं। जय श्री राधे।